हेलो दोस्तों, आपके लिए एक और स्टॉक देखने को मिलता है दोस्तों, जो कि यह स्टॉक है रिलायंस कम्युनिकेशन का शेयर देखने को मिलता है दोस्तों, जो कि टेलीकॉम सर्विस के अंतर्गत देखने को मिला है दोस्तों। और इस शेयर की ओपनिंग प्राइस देखने को मिलता है दोस्तों, जो कि ₹1.63 पर देखने को मिलता है दोस्तों, क्योंकि यह शेयर एवरेज ड्यूरेशन के हिसाब से ही दोस्तों जो कि प्रॉफिट में ही बंद हुआ है दोस्तों, जो कि प्लस में ही यह बंद हुआ है मार्केट में दोस्तों, जो कि दोस्तों टेलीकॉम सर्विस के अंतर्गत देखने को मिलता है। और इस शेयर की एवरेज ड्यूरेशन के हिसाब से ही क्लोजिंग में बंद हुआ है दोस्तों, जो कि ₹1.70 के हिसाब से देखने को मिलता है दोस्तों, जो कि एवरेज ड्यूरेशन के हिसाब से दोस्तों इस शेयर की क्लोजिंग प्राइस ₹1.65 पर क्लोजिंग प्राइस देखने को मिलता है। और यह शेयर NSE/BSE में भी लिस्टेड है दोस्तों। और दोस्तों जो कि सप्ताह के पहले शेयर की प्राइस देखने को मिलता है टेलीकॉम सर्विस के शेयर में रिलायंस कम्युनिकेशन का शेयर है दोस्तों, जो कि ₹1.63 पर देखने को मिलता है दोस्तों। एवरेज ड्यूरेशन के हिसाब से दोस्तों इस शेयर का एक सप्ताह का जो प्रॉफिट बनता है प्रति शेयर पर दोस्तों प्लस में 0.10 का प्रॉफिट है, और 6.5% का रिटर्न भी टेलीकॉम सर्विस ने शेयर ने बना के दिया है दोस्तों, जो कि रिलायंस कम्युनिकेशन का शेयर देखने को मिलता है दोस्तों। और दोस्तों जो कि एक महीने पहले शेयर की प्राइस भी देखने को मिलता है दोस्तों, जो कि ₹1.70 पर देखने को मिलता है दोस्तों। इस शेयर की प्राइस दोस्तों लगातार शेयर में थोड़ी बहुत गिरावट शेयर में देखने को मिली है। एवरेज ड्यूरेशन के हिसाब से दोस्तों जो कि 2.5% का गिरावट रिटर्न भी माइनस में देखने को मिलता है, और दोस्तों जो कि इसमें -0.05% की गिरावट भी देखने को मिलता है दोस्तों, जो कि रिलायंस कम्युनिकेशन का शेयर है टेलीकॉम सर्विस के अंतर्गत भी देखने को मिलता है दोस्तों अपनों को। अगर आप वीडियो पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, प्यार वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले दोस्तों। और एक साल पहले शेयर की प्राइस भी देखने को मिलती है दोस्तों, जो कि ₹2.50 पर देखने को मिलता है दोस्तों, जो कि 2022 में लगातार शेयर में वहीं से शेयर में गिरावट का दौर देखने को मिल रहा था दोस्तों, जो कि ₹1.10 पर 30 जून 2023 को यह शेयर देखने को मिल रहा था दोस्तों, जो कि लगातार शेयर में वहीं से बायर से देखने को मिले थे। शेयर में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली थी शेयर में दोस्तों, जो कि वापस से शेयर में ₹1.80 के बाद लगातार शेयर में थोड़ी बहुत फिर गिरावट देखने को मिली है। एवरेज ड्यूरेशन के हिसाब से एक साल का जो गिरावट देखने को मिलता है रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर में दोस्तों, जो कि माइनस में 0.75% की गिरावट देखने को मिली है, और 31.5% का गिरावट रिटर्न भी एवरेज ड्यूरेशन के हिसाब से एक साल में देखने को मिल रहा है दोस्तों, जो कि रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर टेलीकॉम सर्विस के अंतर्गत देखने को मिल रहा है अपने दोस्तों। और शेयर का टुडे लो देखने को मिलता है ₹1.65 है, और टुडे इसका ₹1.70 जो की बाउंड्री का लो ₹1 है, वो बाउंड्री का ही ₹2.50 है, जो कि इसमें वॉल्यूम भी अच्छी खासी देखने को मिली है, और लोअर सर्किट ₹1.60 है, अपर सर्किट ₹1.70 देखने को मिल रहा है दोस्तों, जो कि इसमें देखने को मिल रही है बुक वैल्यू भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है दोस्तों। अगर आप वीडियो पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, प्यार वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले दोस्तों। वित्तीय जोखिम की संभावना हो सकती है, कृपया जिम्मेदारी पर निवेश करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।